तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है अवतार नहीं है, तू इंसान है अवतार नहीं है, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, जिंदगी संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं, जिंदगी संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं है। आइए दोस्तों इसी के साथ आज अपना लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत का पार्ट 4। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मैं आपके साथ अमरजीत कुमार। यह दोस्तों आज का क्लास जो होने वाला है यह प्रतिशत का पार्ट 4 होने वाला है। मैंने इनकी प्रतिशत का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप वह सभी वीडियो नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप जो है उस वीडियो को बिना देखे इस वीडियो पर आए हैं तो पहले आप जो है उस वीडियो को देख लीजिए। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास जो कि है प्रतिशत का पार्ट 4। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग का जो प्यार मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे हमको सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए आप जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ओके दोस्तों, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें जो है मैं इसमें पहले क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु की दर में 10% की कमी की जाती है, एक वस्तु की दर में 10% की कमी की जाती है, उसके बाद फिर बोल रहा है इसके खपत में 10% की वृद्धि की जाती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है? 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसके राजस्व प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ओके दोस्तों, कितना प्रभाव पड़ेगा इसके राजस्व प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो पहले जान लीजिए। अगर क्वेश्चन में कह दे कि पहले कमी कर दी जाए फिर वृद्धि की जाए, या पहले वृद्धि कर दी जाए फिर कमी कर दी जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं दो मेथड से। पहला मेथड जो कि फॉर्मूला पे है, उसके बाद है एक मेथड जो कि जनरल मेथड है। तो पहले अपना लोग बनाते हैं जनरल मेथड पर जो कि कॉन्सेप्ट बेस है, उसको उससे पहले बनाते हैं। ओके दोस्तों, इसका पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, मान लेते हैं एक वस्तु का कोई भी इनकी जो इसका एनर्जी रेट है वो मान लेते हैं 100 रेट था। पहले रेट मान लेते हैं 100% था, कितना था 100 था, 100% था। उसके बाद फिर बोल रहा है इसके रेट में, इसके दर में 10% की कमी की जाती है। अब आप लोग जो है 100 का 10% निकालते हैं तो कितना आता है, 100 का 10% निकालने पर आता है 10, और ये कमी की जाती है। पहले 100 था, अब इसमें से 10 घट गया तो अब हो जाता है 90 हो जाता है, कितना हो जाता है 90 हो जाता है। ओके दोस्तों, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फिर जो है इसकी खपत में फिर 10% की वृद्धि करेंगे, फिर इसे खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे। अब जो है इसका खपत है 90, इसमें जो है 10% की वृद्धि करेंगे। ओके दोस्तों, तो ठीक है मैं इसमें वृद्धि कर लेता हूँ, 0 कैंसिल, यानी कि 9 की वृद्धि होती है। पहले था 90, अब हो रहा है 9 की वृद्धि, यानी कि 99 हो रहा है। तो अब कह रहा है इसे इसके राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसके राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, पहले जो है इस वस्तु का दर 100 था, पहले इस वस्तु का दर 100 था, अब इसका दर 99 हो गया, तो कितना घट रहा है, एक घट रहा है ना, एक इसमें से घट रहा है, एक घट रहा है। ओके दोस्तों, और हमने इसे माना था यानी कि प्रतिशत माना था, और इसमें जो है कमी हो रही है 1% कमी हो रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1% की कमी। ओके दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, अब आते हैं इसके फॉर्मूला वाले कॉन्सेप्ट पे, इसका फॉर्मूला पर यह जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा वो पहले जान लीजिए। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे।
अगर इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाए तो पहले जो है आप वहां पे खोजिएगा कि पहले कमी कह रहा है फिर वृद्धि बोल रहा है, या फिर पहले वृद्धि बोलेगा फिर कमी कहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है एक्स वाई बटे 100। ओके दोस्तों, फॉर्मूला है आप लोग के सामने एक्स वाई बटे 100। अब यहाँ पे माइनस देंगे कि प्लस देंगे, यहाँ फिर माइनस देंगे प्लस देंगे, वो पहले जान लीजिए। जो पहले बोलेगा कमी करने के लिए, पहला में कमी है तो पहले को हम कमी यानी कि घटा देंगे, फिर बोल रहा है वृद्धि में वृद्धि करने के लिए तो इसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक। और फिर जो दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे इसका यानी कि मार्क आएगा। ओके दोस्तों, तो पहले बोल रहा है कमी कर रहे हैं, कितना प्रतिशत कमी कर रहे हैं, 10% की कमी कर रहे हैं, कमी का मतलब होता है घटाओ। फिर बोल रहा है इसकी खपत में 10% की वृद्धि करेंगे, वृद्धि करेंगे तो प्लस। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग जानते हैं माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस होता है, आप लोग जानते होंगे। इसलिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। ओके दोस्तों, अब जो है एक्स के स्थान पे इसका मान वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स के स्थान पे हम लोग माने थे इसकी कमी वाले को, और वाई के स्थान पे हम लोग माने थे इसकी वृद्धि वाले को। ओके दोस्तों, तो अब जो है इसका मान यहाँ पे पुट करते हैं, तो पहले आ जाता है -10। ओके दोस्तों, फिर आता है प्लस, और वाई को माने थे वृद्धि, वृद्धि कितना की हो रही है, वृद्धि हो रही है 10 की वृद्धि हो रही, तो +10। उसके बाद माइनस, फिर एक्स वाई, एक्स है 10 और फिर वाई है 10/100 लिख देंगे। अब जो है यहाँ पे जो जो कटेगा उसको काट देंगे। ओके दोस्तों, तो ये 10 10 कैंसिल, और ये 0 0 भी कैंसिल हो रहा है, यानी कि -1% की कमी हो रहा है। ओके दोस्तों, माइनस यहाँ पे ये बताता है कमी और वृद्धि को, अगर यहाँ पे प्लस हो जाता तो वो होता वृद्धि को सूचित करता, और यहाँ पे है माइनस, इसका अर्थ हुआ है 1% की कमी। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो है आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, इस फॉर्मूला पर इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग जो है समझ गए हैं। आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप लोग जो है अच्छी तरह से इसे समझ जाइएगा। ओके दोस्तों, आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, यह क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके दोस्तों, यह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी जो है पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया कीजिए, क्वेश्चन में क्या बताया क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पहले बोल रहा है इसमें 20% की वृद्धि कर रहा है, फिर बोल रहा है 10% की कमी कर रहा है। इसका अर्थ है यह जो है क्वेश्चन जो है एक्स वाई और एक्स प्लस मतलब एक्स इंटू वाई बाय 100 पर यह क्वेश्चन बनेगा। पहले वृद्धि, पहले आप जो है फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला है एक्स वाई बटे 100। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे एक्स जो है पहले वृद्धि कर रहा है कि पहले कमी कर रहा है, तो एक्स मान लेते हैं पहले ऊपर वाला, तो पहले जो है वृद्धि कर रहा है, वृद्धि का अर्थ होता है प्लस और कमी का अर्थ होता है माइनस, और जब हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इसका सिंबल। ओके दोस्तों, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स के स्थान पर जो है 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे +20 माइनस वाई, वाई के स्थान पे कमी हो रही है तो यहाँ पे कमी हो रही है तो -10। ओके दोस्तों, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कि एक्स वाई करते हैं तो ये हो जाता है -XY। अब एक्स का मान रखते हैं 20, फिर वाई का मान रखते हैं 10/100। ओके दोस्तों, अब आप इसे काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, फिर एक और 0 से 1 और 0 कैंसिल, फिर आप जब इनकी 20 में से 10 घटाते हैं तो बचता है 10 माइनस यहाँ आ गया 2, यानी कि 10 में से 2 घटाने के बाद हमको मिलता है 8। कहने का मतलब है 8 जो है हमको यहाँ पे प्लस में आया, इसका अर्थ है इसमें जो है 8% की
वृद्धि हो रहा है इसके क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, 8% की वृद्धि हो रहा है इसके क्षेत्रफल में। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इसे कैसे बनाया जाता है वो सारा कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट का दे दिया। ओके दोस्तों, अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, तो आप लोग के सामने क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आप लोग पहले जो है वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है मैं इसे बनाऊंगा। ओके दोस्तों, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को दूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया। मोहन कुछ रुपये लेकर बाजार जाता है, ठीक, मोहन कुछ रुपये लेकर बाजार जाता है, उसने कुल रुपया का 20% पुस्तक पे खर्च करता है, जहां जहां खर्च हो रहा है वहां वहां घेर दीजिए। इससे जो आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आसानी होगी, ठीक। यानी कि 20% पर मतलब यानी पुस्तक पे खर्च करता है, इसके बाद उसने 30% आभूषण पे खर्च करता है, फिर जो है 5% उसने खिलौने पर खर्च कर दिया। यानी कि 20% यानी कि पुस्तक पे खर्च करता है, फिर 30% आभूषण पे खर्च करता है, और 5% खिलौने पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,000 रुपया बच गया है, यानी कि शेष 9,000 रुपया उसके पास अब रह गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है वह कितने रुपए लेकर बाजार गया था, वह कितने रुपए लेकर बाजार गया था। अब पहले यह जान लीजिए कि वह कुल कितना प्रतिशत खर्च करता है, कितना प्रतिशत जो है खर्च करता है, पहले वह जान लीजिए। अब ये यहाँ लिखते हैं 20% किस पे खर्च करता है, पुस्तक पे खर्च करता है। ओके दोस्तों, फिर क्या हो रहा है इसके बाद जो है 30% किस पे खर्च कर रहा है, 30% जो है वो लड़का आभूषण पे खर्च कर रहा है। कुल धन का क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, उसने कुल धन का बोल रहा है, यानी कि 30% आभूषण पे खर्च किया, फिर जो है 5% उसने जो है किस पे खर्च किया, खिलौने पे खर्च किया। तो अब भाई कुल कितने प्रतिशत उसने जो है खर्च किया वो जानना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 का 5 यानी कि 3 दुनी 5, यानी कि 55% उसने जो है अपने कुल धन का खर्च कर दिया है। उसके पास अगर 100% धन हो तो उसमें से उसने यानी कि 55% जो है खर्च कर दिया है। अब उसके पास कितना बचा, मतलब कितना प्रतिशत धन उसके पास यानी कि बचा, यानी कि 100% में 55% को घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद आता है 45% जो है अब उसके पास रुपए रह गया। अब उसके पास कितना रह गया, 45% उसके पास रुपए बचा हुआ रह गया। और क्वेश्चन में बोल रहा है अब उसके पास 9,000 रुपए बचा है, यानी कि प्रतिशत में बचा है 45% और मूल में बचा है 9,000, यानी कि 45% बराबर 9,000। तो इसमें बोल रहा है वह कुल कितने रुपए लेकर बाजार जाता है, तो हम लोग जानते हैं, इसलिए 1% बराबर क्या हो जाता है, भागा हो जाएगा, यानी कि 9,000/45। इसलिए 100% बराबर, 100% बराबर ही ना होता है पक्का पक्की पूरा पूरी। तो ये हो गया है 9,000 × 100/45। अब आप इसे काट सकते हैं, 45 × 90, इस पे 00, यानी कि 2 पे 4 गो 0। अर्थात कहने का अर्थ है कि वह लड़का, वह मोहन जिसका नाम मोहन था, वह जो है बाजार लेकर 20,000 रुपये लेकर जाता है। ओके दोस्तों, और इस टाइप क्वेश्चन को जो है आप यानी कि क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देखकर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां जहां वृद्धि बोल रहा है या फिर खर्च बोल रहा है उसको जो है इनकी प्रतिशत को पहले घेर दिया कीजिए। जो हमने यहाँ पे घेरा है उससे जो है आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगी, सॉल्व करने में भी आपको आसानी होगी। तो पहला आपका काम है कि मतलब जहां जहां इनकी परसेंटेज हो वहां पे घेर देना है। तो इस प्रकार जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जो है यह क्वेश्चन को आसानी से बना लिए होंगे। आइए इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो है आपका कॉन्सेप्ट और हाई हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो उसी पे आधारित यह भी क्वेश्चन है। पहले आप जो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद हम इसे बनाते हैं।
क्वेश्चन में कहा गया है, रमेश कुछ रुपए लेकर शॉपिंग मॉल जाता है। रमेश कुछ रुपए लेकर शॉपिंग मॉल जाता है और इसमें बोल रहा है 5% खर्च करता है यात्रा पे, 5% खर्च करता है यात्रा पे, फिर 20% खर्च करता है वस्त्र पे। कितना खर्च करता है? 20% खर्च करता है वस्त्र पे, फिर 10% जो है घरेलू वस्तु पे वह खर्च कर दिया है। कुल धन का इतना प्रतिशत वह खर्च कर दिया है। अब उसके पास कितना रुपये बच गया? 1950 रुपये बच गया है। पहले जो है प्रतिशत को घेर लीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जो जो लिखा है वो यहाँ लिख दीजिए। 5% किस पे खर्च करता है? यात्रा पे खर्च किया भाई। फिर 20% किस पे खर्च किया? 20% खर्च किया वस्त्र पे। फिर 10% खर्च कर रहा है वो बच्चा घरेलू वस्त्र पर, घरेलू वस्तु पे खर्च कर रहा है। अब उसने की टोटल कितना खर्च किया? वह जो है जो भी शॉपिंग मॉल गया था वहां पे वह कितना रुपया खर्च किया उसको पहले जानने की कोशिश करते हैं। पहले इन सभी को ऐड कर लीजिए, 5 का 5 2 1 3, यानी कि 30% उसने जो है खर्च कर दिया। मान के चलते हैं उसके पास अगर 100 रुपया है उसमें से उसने 35 रुपये जो है खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना रुपये रह गया? अब उसके पास रह गया है यानी कि 65 रुपया, यानी कि 65% जो है अब उसके पास बचा हुआ रह गया है, यानी कि 65% जो है अब उसके पास बचा हुआ रुपया रह गया है। और क्वेश्चन में बोल रहा है उसके पास अब 1950 रुपये बचा हुआ है, यानी कि 65% बराबर 1950 रुपये। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 65% इज इक्वल टू 1950। ओके दोस्तों, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए 1% बराबर निकाल लेंगे 1950/65, और उसी प्रकार यहाँ पे जो है 100% बराबर निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 1950/65 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप इसे काट सकते हैं। यह कितने मरतबे कटेगा? यह कटेगा 30, यानी कि 3 मरतबे में कट जाएगा। यानी कि वह जो है लड़का, यानी कि 3000 रुपये शॉपिंग मॉल गया था और उसमें से उसने जो है मतलब यानी 35% उसने जो है खर्च कर दिया। ओके दोस्तों, और इसमें जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा और अलग क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन को पहले मतलब जो अभी क्वेश्चन आने वाला है उसमें और इसमें आपको जो है कंपेयर करना पड़ेगा आखिर क्या दोनों में भिन्न है। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा और ऊपर वाले। ओके दोस्तों, आप लोग के सामने यह दो क्वेश्चन है, यह पहले वाला क्वेश्चन और यह मैंने क्वेश्चन अभी लिखा। इन दोनों में पहले मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि पहले इसको कैसे बनाए थे और इसको कैसे बनेगा, यह कैसे बनेगा। ओके दोस्तों, इसको पहले बनाते हैं, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है राम अपनी मासिक आय का, उसका कुछ ना कुछ मासिक आय होगा, उस मासिक आय का 20% घरेलू वस्तु पर खर्च करता है। उस मासिक आय का 20% जो है घरेलू वस्तु पर खर्च कर दिया। फिर जब खर्च करने के बाद जो रुपया बचता है उसमें से वह जो है 15% खर्च करता है अपनी किसी अन्य वस्तु पर खर्च करता है 15%। जब 15% उसने उसने खर्च कर दिया, अब जो रुपया बचा उसमें से इनकी शेष आय का 30% खर्च करता है कपड़े पर, खर्च करता है कपड़े पर। अब उसके पास जो है बचा हुआ रह गया 9520 रुपया, उसके पास बचा हुआ रह गया। तो उसकी मासिक आय कितनी थी दोस्तों? इसको कैसे बनाते हैं पहले वो जान लीजिए। मान लेते हैं उसकी मासिक आय एक्स थी। क्या मान लिए? उसकी मासिक आय एक्स थी। इस मासिक आय में उसने जो है कितना प्रतिशत खर्च किया? यानी कि 20% खर्च कर देता है। उसने कितना खर्च कर देता है? 20% खर्च कर देता है। अब उसके पास कितना रुपया रह गया है वो पहले आपको जानना पड़ेगा। अब उसके पास रह गया 80 रुपया, 80% रह गया, यानी कि 80/100 रुपया रह गया। ठीक, अब इसमें से जो यह तो इनकी बचा हुआ रुपया है ना, हम 80 से यहाँ पे इसलिए मतलब इनकी मल्टीप्लाई किए 80% से, क्योंकि इसमें जो है 100% में से
20% उसने खर्च कर दिया, तो 100% होता है 100 में से 20 जो उसने खर्च कर दिया, तो अब उसके पास 80 रुपया बचा हुआ रह गया। इसलिए मैंने यहाँ पे 80% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो बचा हुआ रुपया है उसमें से उसने 15% जो है वस्तु पे खर्च कर देता है। कितना परसेंट वस्तु पे खर्च करता है? 15% उसने जो है वस्तु पे खर्च कर देता है। अब उसके पास कितना रुपया रह जाता है? 100 में से, 100 में से उसने की 15% जो है वस्तु पे खर्च कर दिया, तो अब उसके पास रह जाता है 85%, यानी कि 85/100। ओके दोस्तों, अब जो है उसके पास इतना खर्च हो गया। अब जो है शेष रुपए का उसने 30%, 100 में से 30 गया, यानी कि 70% जो है उसके पास रह जाता है। अब तो यह जो है सारा कुछ क्या है? यह सारा कुछ बचत है। यह सारा कुछ क्या है? बचत। और कितना इसमें की बचत है? इसका बचत है 9,520 रुपया उसका बचत है। ओके दोस्तों, अब आप इसे काट सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको जो है इसे काट सकते हैं आसानी से, और इससे जो है एक्स का मान निकल जाएगा, और इसमें हमने एक्स जो है उसकी मासिक आय मानी थी। ओके दोस्तों, आप लोग जो है इसको काट करके इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा प्लीज। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं इतना आप लोग जो है समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन, और इसमें जो है अब मैं कंपेयर करने वाला हूं क्वेश्चन पहला को हम कैसे बनाए थे और इसमें कैसे बनाएंगे। इसमें बोल रहा है, पहला वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कुल धन का 5% खर्च करता है, फिर इनकी 20% खर्च करता है। मतलब इसमें जो है इस प्रकार पर इनकी पूछा गया, और इसमें बोला गया है इनकी शेष आय का, यानी कि शेष और कुल में बहुत फर्क है, आसमान धरती का फर्क है, वो अभी आप लोग ने जान लिया। इसमें तो कहा था कुल धन का है, और इसमें बोल रहा है शेष का। इसलिए आप लोग जो है इसमें अच्छा से ध्यान देके जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन आसान है, परंतु जो है आप अगर हड़बड़ा करके बनाइएगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है अपनी धैर्य पूर्वक इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके दोस्तों, आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो है इसके अगला टैप जो होगा उस पे मैं आप लोगों को कल और वीडियो इनके दूंगा। अभी जो है इसमें जो है दो चार टैप और बचा हुआ है, और उस पर भी जो है आप लोगों को वीडियो मिलेगा। इसलिए जो है इस स्टेटिंग रहिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मतलब आपके मन में मतलब इनकी समस्या है, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, यह कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग जो है पहले इसे बनाइएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है उससे पहले अच्छा से पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला गया। एक भिन्न के अंश में, भिन्न मतलब क्या होता है, हमको पहले यह कहिए भिन्न मतलब क्या होता है। भिन्न मतलब होता है बटे के फॉर्म में, एक्स बटे वाई, 1/2, 6/2, मतलब इनकी 6/4, इस प्रकार जो रहता है वो किस फॉर्म में होता है? भिन्न के फॉर्म में होता है, बटे के फॉर्म में होता है। ठीक, क्वेश्चन कहा गया है एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दिया, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दे और हर में 8% की कमी कर दे, तो उसे जो है यानी कि 15/16 प्राप्त होता है। तो वह उसका जो पहले वाला भिन्न था वह भिन्न, मूल भिन्न याद करें। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं वह पहले जान लीजिए। अंश का अर्थ होता है ऊपर वाला, और हर का अर्थ होता है नीचे वाला। इसको ध्यान लीजिएगा। मान लेते हैं कोई भिन्न है एक्स, एक्स बटे वाई कोई भिन्न है, ठीक, यह मान लिए। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है भिन्न के अंश में इनकी एक्स में जो है 15% की वृद्धि कर दिया जाए। अगर कोई वस्तु 100 है, अगर उसमें इनकी 15% की वृद्धि कर दिया जाएगा तो यह 115 हो जाएगा ना। अगर इसमें बोल देता 15% कमी कर देंगे, इनकी 100 में से 15 घटा देते, इनकी 85 आता ना। उसी प्रकार इसमें बोल रहा है अंश में 15% की वृद्धि कर देंगे, इनकी अंश में 115/100, फिर हर में 8% की कमी कर देंगे, 100 में से 8 घटाएंगे,
92 बटे 100 इज इक्वल टू कितना भिन्न प्राप्त होता है? अब उसे प्राप्त होता है 15/16, उसके पास भिन्न प्राप्त होता है। 100 से 100 कैंसिल, एक्स बटे वाई इज इक्वल टू 115/92 बराबर 15/16। अब आप इसे काट सकते हैं, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 6 दूना 12। अब इसे 4 दूना 8, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक। फिर आप इसे काट सकते हैं कि 23/115 होता है शायद, हाँ 5 तिया, हाँ इनकी 23/15, फिर 5 तिया 15। यानी कि कहने का मतलब हुआ एक्स बटे वाई भिन्न बराबर आ गया है इनकी 3/4। उसका जो मूल भिन्न था वह कितना था? वह था 3/4, उसका मूल भिन्न था। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इसे समझ गए होंगे, और आज का क्लास जो है यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में जो है एक और एक दो टाइप और बच गया है, उसको हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला? अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एसओडी फाइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास आ जाए। सो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल अलग वीडियो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।